आज मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी था और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से जबरदस्त किस्म का ट्रेड यहाँ पे हम लोगों ने आज कैप्चर किया है। कैसे उसको स्टार्ट किया और किस तरीके से हम लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया, इसका पूरा का पूरा लॉजिक समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। हमारे पास निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का ये चार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले देखो कि चार्ट कैसा हमने ट्रेड प्लान किया था, देखना ठीक। आज का ही है 9:29 पे मिड कैप निफ्टी 13,250 के कॉल ऑप्शन 16 पे चल रहा था, DI पे एंटर करना था वहां पे। तुरंत में देखो टाइम देखना, 9:29 से कहानी शुरू हुआ है और 9:34 तक ये 45 का लेवल है वो टच कर चुका था, 48 के आसपास 47 तक ये लगाया था, 16 से लेके 47 का हाई लगाया था। हम लोग एंट्री कुछ 20 के आसपास था, 20 से लेके 45, मतलब समझ लो कैपिटल डबल से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे बन चुका था। सही तरीके से यहाँ पे ट्रेड हम लोगों ने प्लान कर लिया था, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे बहुत सारा फाइंडिंग है, लेकिन आपको एक दिखा रहे हैं जहां पे देख के आप थोड़ा इंसाइट ले सके कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट का कहानी क्या होता है। इस पर्टिकुलर जगह पे अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा मिड कैप निफ्टी का कहानी है, मिड कैप निफ्टी में देखेंगे इसमें सुबह के टाइम में हम लोग को एक आइडिया चला था, वो था इसका प्रीमियम के बारे में कि कैसे प्रीमियम इसका सही जगह से मतलब सेटल है। इसमें ज्यादा कुछ सीन था नहीं, बाकी सब में प्रीमियम में देखो बैंक निफ्टी एक्स्ट्रा पुट प्रीमियम सो द फर्स्ट ट्रेड साइड फर्स्ट सो फर्स्ट ट्रेड साइडवेज टू अपसाइड होना चाहिए, ऐसा हुआ जो कि लगभग लगभग वैसा ही यहाँ पे फॉलो किया। निफ्टी परफेक्ट जोन पे दिया था और यहाँ पे ओपन हो रहा था, उसके बारे में भी बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे कहानी हो रहा है। अब यहाँ पे था जो हमारा ये जो पुट का प्रीमियम था बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे नीचे जाने के चांसेस थे नहीं। यहाँ पे बैंकिंग से पुट का प्रीमियम बहुत ज्यादा था, तो इसमें आखिरी में चल गई ठीक ठाक स्पाइक यहाँ पे ऐसा देखने को मिला था, ठीक है। तो काफी सारा अच्छा ट्रेड हम लोगों ने किया था, लेकिन ये इसमें दो दो ट्रेड किया था, एक बार नहीं किया था। एक तो पहली बार ऐसा ट्रेड बन गया यहाँ पे, ऐसा चला गया अल्टीमेट ट्रेड था यहाँ पे, और मैं दो ट्रेड यहाँ पे बना था। यहाँ पे सेकेंड टाइम ही गया था, सेकेंड एंट्री भी यहाँ पे बना था, यहाँ पे आया था। अगर किसी को एंट्री लेना है तो ट्राई कर सकते हैं फिर से। ये कितने 9:48 में हुआ था, इस समय जो आया था इसमें फिर से प्रीमियम घट के इसका 19 हो गया था, फिर से 23, 29, 30 गया और 35 तक चला गया, तो फिर से कैपिटल यहाँ पे डबल हुआ। तो दो ट्रेड मिड सीपी में हो गया था, लेकिन अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो कुछ खास आपको ऐसा देखने को मिलेगा नहीं कि मिड सीपी में बहुत कुछ भयंकर हुआ है, ठीक है। यहाँ से आया था, हम लोग इसी जगह में आए थे तो प्लान किए थे, फिर यहाँ पे एक ट्रेड हो गया, फिर सेकंड ट्रेड में यहाँ से आया, यहाँ पे जाके प्लान हो गया। दो ट्रेड यहाँ पे अल्टीमेट अल्टीमेट से ट्रेड अपन लोगों ने कैप्चर किए थे। इस ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक था सिंपल था, कि प्रीमियम जो बताया ना, जो स्ट्राइक प्राइस आप लोग बाई करते हैं, जो खरीदते हैं, तो उसका एक सर्टेन वैल्यू होता है। वो प्रीमियम कैसा होना चाहिए, वो प्रीमियम जो भी आप ले रहे हैं, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, वो प्रीमियम का ऐसा वैल्यूएशन होना चाहिए कि वो ओवर प्राइस्ड नहीं होना चाहिए। तो बेसिक सा रूल होता है कुछ भी चीज बाइंग करने का, कि आप सस्ता खरीदोगे और उसे महंगा बेचोगे तभी तो पैसा बनेगा ना। आप खरीदोगे महंगा तो कैसे पैसा बनेगा, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। इस लॉजिक को आप समझ जाओगे तो आपको कभी कोई दिक्कत ट्रेडिंग में यहाँ पे होने वाला है ही नहीं। हम लोगों ने मिड सीपी में बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक ट्रेड प्लान किया था, एक सिंपल सा एक सेटअप है अपना उसके बेसिस पे, और प्रीमियम का लॉजिक इसमें लगाया था तड़का, और आराम से दो बार सुबह सुबह ही पैसा डबल कर लिया था। और अगर ध्यान से देखो कि लोग बैठ के दिन में ट्रेड करते रहेंगे, 9:58 पे कहानी खत्म हो गया था, और 9:00 कितना मिनट पे शुरू हुआ था इसका पहला जो एपिसोड शुरू हुआ था, 29 मिनट पे। मतलब 30 मिनट के अंदर में सुबह का कहानी खत्म, उसका कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं होता। ये होता है कि इफ यू नो द पावरफुल कॉन्सेप्ट और आपके सामने में चीज है, यू कैन जस्ट फिगर इट आउट। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको लॉजिकली साउंड होना पड़ता है, आपको चीजें एकदम क्लियर तरीके से समझ में आनी चाहिए। इसमें अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तब दिक्कत है, अगर आपका सेटअप परफेक्ट है, आप उस पर आराम से एंट्री करोगे तो एक जबरदस्त किस्म का ट्रेड आप उसे एंजॉय कर सकते हो, राइड कर सकते हो बिना किसी दिक्कत का, बिना किसी झंझट का। तो ये है पावर ऑफ प्रीमियम वैल्यूएशन, कैसे प्रीमियम को हम लोग कंसिडर करते हैं, ओवर प्राइस्ड है कि अंडर प्राइस्ड है, और कब यहाँ पे एंट्री लेना है, ये चीजें सीखनी पड़ती है। आई डोंट नो आपको पता है नहीं पता है, ये अपना आज का ट्रेड था। अगर आपने यहाँ तक देखा थैंक यू सो मच, और आपको ऐसा ये कंटेंट अच्छा लगा देन यू मे सब्सक्राइब दिस चैनल, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको वहां पे मिल ही जाएगा, फायदे में ही रहोगे। और बाकी बहुत ही आसानी से हम लोगों ने ट्रेड ढूंढा था और काफी लोगों ने इसको अच्छे तरीके से इसे एंजॉय किया था। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच, बाय।